हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा वीडियो में आपको स्वागत है। अभी हम जा रहे हैं चिकन पकौड़ा बनाने। पकौड़ा बनाने के लिए हमने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के धो लिए हैं। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, इसमें डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा काला जीरा, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच डालेंगे चावल का आटा, डालेंगे बेसन। कितना बेसन डाल रहे हैं अम्मा? 2 चम्मच बस। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी कढ़ाई गर्म हो गया है, अभी हम तेल डाल लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, हम एक एक करके सबको डाल लेते हैं। एक साइड पक गया है और हम पलट लेते हैं। अब अच्छे से बन गया, पक गया है, लाल हो गया है पकौड़ा, चिकन पकौड़ा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बचे हुए हैं पकौड़े, उसको एक एक करके डाल देती हूँ। इसको भी हम निकाल लेते हैं। अच्छे से लाल हो गया है। आज का चिकन पकौड़ा का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में।